नमस्कार मित्रों, सौरभ तिवारी की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, बड़ी खबर है, बीजेपी ने देर रात बिहार में परिवर्तन करते हुए सम्राट चौधरी के स्थान पर अपने सीमांचल के कद्दावर नेता, हिंदूवादी नेता दिलीप जायसवाल जी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप बता दें मित्रों कि 3 बार के MLC हैं दिलीप जायसवाल जी, और इसमें बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। एक जानकारी आपको भी दे दूं, अमित शाह के काफी करीबी हुए माने जाते हैं, और एक बार रेस में डिप्टी सीएम की रेस में पीछे भी गए थे। तो मित्रों, दिलीप जायसवाल जी से बहुत पुराना संबंध है मेरा, और एक शायर है, उनका गजल है कि जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। यानी दिलीप जायसवाल जी चाहे MLC रहे हो, मंत्री रहे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कल मुख्यमंत्री भी हो जाए, तो बदलने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। अब चुनौतियां क्या क्या होंगी दिलीप जायसवाल जी के लिए? दिलीप जायसवाल जी की सबसे पहली चुनौती होगी जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को खत्म करें और सीमांचल में पार्टी को और मजबूत करें। 2014 के चुनाव में आपको बता हुआ कि दिलीप जायसवाल जी चुनाव लड़े थे किशनगंज से, लेकिन वो हार गए थे। किशनगंज से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता, आप मेरा वीडियो उठा के आप देख सकते हैं। चाहे दिलीप जायसवाल जी का इंटरव्यू किया मैंने, सुनील चौबे का इंटरव्यू किया, गिरिराज सिंह का इंटरव्यू, किसी भी बिहार के बड़े नेता का इंटरव्यू किया, मैं एक ही सवाल जब बीजेपी के नेता कहते थे कि 40 की 40 जीतेंगे, मैं एक ही सवाल होता था, किशनगंज कैसे जीतेंगे आप लोग? किशनगंज मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। दिलीप जायसवाल जी को किशनगंज पे ध्यान देने की जरूरत है, किशनगंज कैसे आप लोग जीतेंगे? और सीमांचल जैसा सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में आपको अपनी पार्टी का मजबूत धार बनाना है। इससे पहले जो नेता थे सांसद संजय जायसवाल, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद सम्राट चौधरी हुए, आप फिर से दिलीप जायसवाल। तो दिलीप जायसवाल जी बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत बेहतरीन इंसान है, यू आप यू टर्न ले लीजिए। हमारे जो सारथी हैं रवि जी, तो इसलिए मैं DND से ऊपर जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और प्रभाकर मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है दिलीप जायसवाल जी के बारे में, आपको वो भी सुनवाते हैं मित्रों। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जैसे कैडर के मजे हुए व्यक्ति जब पार्टी के कप्तान बनते हैं तो प्रसन्नता स्वाभाविक है। दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई। दिलीप जी पार्टी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता रहे, सीमांचल में तो इनका दबदबा है, राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी इनकी गहरी पैठ है। संगठन को मजबूत आधार प्रदान करने में ये नए सिरे से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, जिसका लाभ आसन्न विधानसभा चुनाव में मिलना तय है।